हे गाइस, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली है और यहाँ पे मैं पेड़ों में पानी डाल रही हूँ और भगवान की पूजा करनी है। तो मैं भगवान की पूजा सुबह सुबह कर लेती हूँ। सो दिवाली के लिए बहुत सारे स्नैक्स वगैरह बनते हैं और हम लोग ने भी बनाया है। और आज के दिन मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही टेस्टी बना था। दोपहर में मैंने ये गुलाब जामुन बनाया था और शाम को मैं रंगोली बनाऊंगी, जो कि ये वाली पीकॉक वाली रंगोली बनाया था। बहुत ही मस्त रंगोली दिख रही थी। रंगोली का वीडियो बनाना मैं भूल गई, बट कोई बात नहीं, बहुत मस्त बन रहा था। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल भारतीय लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो आप सबको हैप्पी दिवाली। और दिवाली का दिन है तो सुबह से मेरा रूटीन आप से शेयर किया था और मैंने गुलाब जामुन का भी रेसिपी बताया है। और अभी 8 बज रहे हैं और इस टाइम पे हम लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं। तो वही लक्ष्मी जी का पूजा हो रहा है, उसके बाद हम लोग थोड़ा नीचे जाके कुछ फटाकड़े वगैरह फोड़ेंगे। देखिए, हम लोग ने गैलरी को कितना मस्त सजाया है मेरे सिस्टर और मैंने मिलके। और ये जो प्लांट्स है उसमें अगर आप लाइटिंग का कुछ भी लगाते हो तो और भी निखर के आता है। बहुत ही मस्त व्यू आ रहा था। देखिए, छोटे छोटे कलरफुल्स लाइटिंग। तो दिवाली का यही तो स्पेशल होता है कि सबके घर में उजाला होता है, चमक दमक होता है। सो गाइस, अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पे लक्ष्मी जी के पूजा की तैयारी चल रही है। और मेरी मम्मी इस तरह हर दिवाली को पूजा करती है। तो ये लक्ष्मी माता जी, गणेश जी, और वहाँ पे छोटे छोटे 5 मिट्टी के मटके हैं जिसके अंदर ममरा और शक्कर वगैरह भर के रखते हैं। तो इस तरह हमारे घर में पूजा होता है। और धनतेरस में जो भी आप खरीदते हैं वो भी यहाँ पे रख के पूजा करते हैं। तो हर साल हमारे घर में इसी तरह से पूजा होता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और तो यहाँ पे हम लोग जो भी खरीदते हैं वो सब यहाँ पे रख के पूजा करते हैं हम लोग। सो रात को 9 बजे हम लोग खाना वाना खा के नीचे आ गए हैं और यहाँ पे फटाकड़े वगैरह हम लोग फोड़ रहे हैं। और दिवाली का जो सेलिब्रेशन है वो हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कियान जो बहुत ही डर रहा था, तो उसको मेरी मम्मी समझा रही थी कि भाई ये डरने का, चलो खेलो। तो कियांश को यहाँ पे मतलब फटाकड़े फोड़ने का भी मन कर रहा है और उसको साथ ही डर भी लग रहा है। तो देखो उसका रिएक्शन। और ये मेरे सिस्टर इतनी बार अटेम्प्ट की कि फुलझड़ी को जलाने का, पर उसने लास्ट में क्या किया देखो। सो गाइस, इस तरह से हम लोगों ने दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया है। और आई होप आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? कियांश को इतना डर लग रहा था कि वो बोल रहा था कि चलो घर चलते हैं। और मैं मम्मी उसको लेके जा रही थी तो मैंने बोला कि क्यों जा रहे हो, तो कियांश बोलता है कि नानी का पेट दुख रहा है। तो वो कितना बहाना कर रहा था, देखो इसका दिमाग। मैंने भी एक भी फटाकड़े वगैरह कुछ नहीं फोड़ा और कुछ नहीं जलाया क्योंकि मुझे उससे बहुत ही डर लगता है। सो बस मैं एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि अंश को भी डर लग रहा था पर उसको भी देखना ही था, तो वो साइड में खड़ा होकर देख रहा था। सो दिवाली में हम लोगों ने कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ।